हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन 65 का रेसिपी। ये एक बहुत ही टेस्टी इंडो चाइनीज स्टार्टर आइटम है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। बोनलेस चिकन को हम करेंगे मैरिनेट, और उसके लिए चाहिए फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर। इन सारे चीज़ों को चिकन के ऊपर डालने के बाद फिर हम ऐड करेंगे सोया सॉस और नींबू के रस। आप नींबू के रस के जगह विनेगर भी डाल सकते हो। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला के 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। मौसम अगर गर्म है तो चिकन को आप फ्रिज में रख दो। डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। 2 घंटे बाद चिकन में हम एक अंडा तोड़कर डाल देंगे और अच्छे से एक फॉर्क के साथ मिला लेंगे। फिर एक दूसरे प्लेट में मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे और उसमें थोड़ी सी नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल के मिला लेंगे। फिर एक चिकन के पीस को उठा के मैदे में डालेंगे और उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। चिकन को आप अगर और क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो इसे आपको डबल कोट करना पड़ेगा। इस स्टेज के बाद फिर से आपको अंडे में डालना पड़ेगा और फिर मैदे में कोट करना पड़ेगा। सारे चिकन को कोट करने के बाद हम मीडियम गरम तेल में फ्राई करेंगे। एक टाइम पे 5 से 6 चिकन के पीसेस डालेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए सारे साइड्स को हमें घुमा घुमा के फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा। उसके बाद एक टिश्यू पेपर पे हम इन सबको निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट बैच डाल देंगे। सारे चिकन को फ्राई करने के बाद एक दूसरे पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किए थे। कुछ सेकंड के लिए बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल के सौते कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल देना। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमें कुछ सॉसेज ऐड करना है, तो पहले जाएगा रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो। फिर डालेंगे सोया सॉस और टमेटो केचप। फ्लेम को इस समय मीडियम पे रखेंगे और सारे सॉसेज को 2 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी, फिर से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। सीजनिंग के लिए डाल देंगे थोड़ी सी नमक। ध्यान रहे सॉसेज में भी नमक होते हैं। अपने स्वाद अनुसार डाल के मिला लेंगे और एकदम लास्ट में डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। सॉस के साथ चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। 2 मिनट मिलाने के बाद हम गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा चिकन 65 का रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ये रेसिपी एकदम ऑथेंटिक है ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसे खाने में बड़ा मजा आता है। आप इसे प्याज और नींबू के साथ गर्मा गर्म एंजॉय करो, और तब तक के लिए गुड बाय।